अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज फोटोशॉप के अंदर हम देखने वाले हैं एक टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लिक्विफाई। ठीक है, लिक्विफाई कैसे काम करता है, बहुत ही पावरफुल किस्म का टूल है। जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इससे और कुछ क्या हो सकता है। तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। मैं आपको फोटोशॉप की स्क्रीन पर लेकर आ गया हूँ। फोटोशॉप में आपने फाइल में जाना है, कोई भी इमेज आप पहले से डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, किसी भी शख्स की इमेज आप ले सकते हैं जिसके ऊपर आप जो है वो एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं फाइल में आता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ ओपन। ठीक है, फाइल ओपन। ओपन में आने के बाद मैं इसको, चूंकि मैं यूएसबी से डेटा लूँगा तो मैं यहाँ अपने यूएसबी में आ जाता हूँ और यूएसबी में आने के बाद यहाँ से मैं ढूंढ लेता हूँ एचडी इमेजेस। ठीक है, इमेजेस हैं, इसमें से कोई भी एक इमेज मैं ले लेता हूँ जो एक बंदे की इमेज हो, एक पर्सन की इमेज हो। ठीक है, तो ओके, फेस कोई भी इमेज ले सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा था कि बिल्कुल चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन रखते हैं ना हो, ऐसा कोई इमेज हो। बहरहाल ये एक इमेज है मेरे पास और अच्छी क्वालिटी की इमेज। आप इमेज कोई सी भी ले सकते हैं जिसमें फ्रंट फेस हो, सामने की तरफ पर्सपेक्टिव में ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये एक फेस आप देख रहे हैं और इसको जूम करने का तरीका क्या है, कंट्रोल प्लस जूम इन करता है, कंट्रोल माइनस जूम आउट करता है। ये लिखते रहे साथ साथ ताकि आपको याद रहे, इलस्ट्रेटर जैसा ही है, कंट्रोल माइनस जूम आउट, कंट्रोल प्लस जूम इन और कंट्रोल जीरो है फिट इंटू विंडो। ठीक है, कंट्रोल जीरो है फिट इनटू विंडो। आज का टॉपिक है हमारा लिक्विफाई। बिफोर एंड आफ्टर दिखाने के लिए मैं यहाँ लेयर आप देख रहे हैं, इस लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल जे दबा देता हूँ, आप देखेंगे इसकी कॉपी हो जाएगी। तो ये इसकी कॉपी हो चुकी है। अब बिफोर एंड आफ्टर आपको कैसे दिखाऊंगा थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। लेयर पैनल कैसे आता है, F7 करने से भी आ जाता है ये F7। ठीक है, फंक्शन की के अंदर। और अगर नहीं आ रहा तो आप यहाँ से विंडोज में जाके यहाँ से आप ले सकते हैं लेयर्स, F7 का शॉर्टकट है। ठीक है, तो लेयर की कॉपी बिफोर एंड आफ्टर दिखाने के लिए किए। अब इस इमेज को मैं लेके जाऊंगा एक फिल्टर के अंदर जिसका नाम है लिक्विफाई। जैसे आप लिक्विड लिखते हैं ना, IFY आखिर में लगा दो तो ये हो जाएगा लिक्विफाई। अब यहां पे मैं इस इमेज को लेके जाता हूँ फिल्टर और आप देख रहे हैं लिक्विफाई इसका शॉर्टकट है Ctrl Shift X। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एक्स डायरेक्ट दबाएंगे तो आप लिक्विफाई में खुद ही आ जाएंगे, वरना फिर यहां से जाके आप ऑप्शन ले सकते हैं फिल्टर में जाके लिक्विफाई। अच्छा, जैसे मैं लिक्विफाई का बटन दबाया आप देखेंगे नई विंडो आ गई मेरे पास और ये है लिक्विफाई की। अगर आपके आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ है तो ये वाले ऑप्शन ग्रे आउट आएंगे। इनके वाइट कलर में होने का मकसद है कि जिस कंप्यूटर पे मैं काम कर रहा हूँ तो अरीना नॉर्थ कराची के सिस्टम के अंदर ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख लें तो आपके पास फेस अवेयर की ऑप्शन आ रही है। ठीक है, और पहले आ रहा है आईज। मैं थोड़ा जूम करने के लिए यहाँ भी कर सकता हूँ कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस। ठीक है, कंट्रोल प्लस क्या है, स्पेस बार दबा के मैं इमेज को मूव कर सकता हूँ। आ रहा है मेरा समझ में, इमेज को अगर मूव करना हो तो स्पेस बार दबा के रखेंगे, लेफ्ट माउस से आप इमेज को मूव करेंगे और जूम करना है तो कंट्रोल प्लस या कंट्रोल माइनस। अब देखिए, मैं अगर यहां से आईज में आ जाऊं तो यहां पे एक तो लेफ्ट है और एक राइट, दोनों आ रहा है, यानी लेफ्ट आई राइट आई। लेकिन अगर मैं ये चेन का लिंक इसको दबा दूं, अब देखिए ये इनके बटन दबे हुए नहीं, ये चेन एक आ रही है, इसमें मैंने क्लिक कर दिया, इसका मतलब दोनों हैंडल्स को एक साथ मूव करेगा वो। मैं अगर ये वाला भी हिला हुआ तो ये वाला खुद ब खुद हिल जाएगा, अदरवाइज ये आप एक को हिलाएंगे दूसरा नहीं हिलेगा। तो मैंने चारों की चेन बना दी, यानी कि आई हाइट को भी, आई विड्थ को भी और आई टिल्ट को, चारों को। अब आई का साइज में जैसे ही बढ़ा रहा हूँ, आपको महसूस हो रहा है आई का साइज बढ़ता हुआ, खुद ब खुद वो डिटेक्ट करेगा कि आंखें कहाँ पर है और खुद ही साइज बढ़ा देगा आप जितना उसको बोलोगे। आई की हाइट बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, सबको आ रहा है समझ में, ओके। आई की विड्थ बढ़ा रहा हूँ, चौड़ाई कम हो रही है तो बढ़ रही है, ठीक है, तो इस तरह मैं बढ़ा सकता हूँ। आई टिल्ट टेढ़ा करना आई को हो रहा है, ठीक है, टेढ़ा भी हो रहा है,
मैंने मैं इसको मर्जी आप थोड़ा टेढ़ा करना चाहे कर सकते, मैंने थोड़ा सा टिल्ट किया है। अच्छा ये तो हो गया, अब हम आते हैं नोज के ऊपर। या आई वाला ऑप्शन सबको समझ में आ गया और ये चेन समझ में आ गया मैंने क्यों क्लिक किया था, ताकि ये वाले ऑप्शन भी खुद ब खुद चल जाए जो चल गए। यहाँ पर डबल हैंडल वाला कुछ नहीं है, सिंगल हैंडल है सब जगह, जैसे नोज है, क्योंकि अल्लाह ने नोज दो दिए किसी को, आप में से कोई है तो बता दें, हो सकता है आप में से किसी के दो नोज हो, या वो नोज उसके दो होल्स को दो नोज बोलता हो कि मेरे तो दो हैं, क्योंकि नोज में दो नोस्टल्स हैं, तो बता सकता है, कोई मसला नहीं है। अच्छा नोज में नोज की हाइट देख रहे हैं क्या हो रहा है, या तो चपटी हो जाएगी नोज या फिर लंबी हो जाएगी, और फिर नोज की विड्थ मोटाई ब्रॉड हो जाएगी या फिर नैरो हो जाएगी, दोनों तरफ आप हैंडल को लेके जा सकते हैं, मैंने ब्रॉड कर दिया। अब आता है माउथ, माउथ से क्या चीज आती है आपके जहन में, स्माइल आती है। अगर स्माइल वाले हैंडल को मैं राइट की तरफ ले जा रहा हूँ तो देखें क्या हो रहा है, देखा आपने स्माइल बढ़ गई, आप लोगों को देख के बहुत खुश हुई कि आज सारे बच्चे माशाल्लाह अरीना में, अरीना नॉर्थ कराची की एक खास बात यही है कि यहाँ पर 15 बच्चे भी अगर बैठ में तो 15 के 15 आते हैं। आज भी एक एब्सेंट है, दो एब्सेंट है, कोई भी एब्सेंट नहीं है, एक ही एब्सेंट है, तो फिर भी बड़ी तादाद है माशाल्लाह से। तो स्माइल देखिए, मैं इसको ये तो ऐसी हो गई जैसे सोच रही हूँ कि सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन ये देखें तो सैलरी मिल गई, ठीक है, ये लग रहा है कि सैलरी वाकई में मिल गई है। तो इस तरह से आप खेल सकते हैं, स्माइल हो गया। अपर लिप्स, ठीक है, ऊपर वाले होंठ मोटे हो गए या पतले हो गए, वो प्लास्टिक सर्जरी कराने जाएगी तो इसके 4-5 लाख रुपए कहीं नहीं गए, यहाँ इसने फ्री में करवा लिए है फोटोशॉप में, होंठ मोटे कर लिए। और लोअर लिप्स, ठीक है, सुगड़ गया या फिर फैल गया, मोटा कर दिया जानबूझ के। बजाय माउथ की हाइट देख रहे हैं, खाना खाने के लिए थोड़ा मुंह बड़ा किया जाता है ना, कुछ ऐसा मुंह हो रहा है इसका, बहरहाल मैंने मुंह को जानबूझ के थोड़ा बड़ा कर दिया। अच्छा अब मैं आता हूँ नीचे की तरफ, आखिरी ऑप्शन है फेस शेप, चेहरे की शेप कैसी होगी, फोरहेड, ये फोरहेड का एरिया कहलाता है, इसको आप देखिए राइट पे लेके जाए, देख रहे हैं अब क्या हो रहा है, अक्सर अवकात हैरत हैरत जगह में होती है ना किसी चीज़ पे, तब भी हम अपने सर को ऐसा करते हैं, कुछ लोग करते हैं, सब नहीं करते होंगे, लेकिन ये फोरहेड को चौड़ा करना है या चपटा करना इस तरह किया जा सकता है, मैंने थोड़ा चौड़ा कर दिया। चिन हाइट, चिन इसको बोलते हैं टोरी, टोरी या टोरी, तो चिन को आपने राइट पे लेके गए छोटा हो गया, और ये लेफ्ट पे ले गए मजीद चौड़ा हो गया, ठीक है, जादूगरनी की तरह, तो ये इस तरह किया जा सकता है। जॉ लाइन, ठीक है, जॉ लाइन से देखिए क्या हो रहा है, च्युइंगम खाने वालों का मुंह ऐसा होता है, जो च्युइंगम बहुत खाते हैं ना, दिन के 4-5-6-10 च्युइंगम आराम से खाते हैं और कई घंटों तक चल रहा होता है, तो उनका जॉ बॉडी बिल्डर हो जाता है, तो उनका जो जॉ है ना उसकी अच्छी वर्जिश हो जाती है, तो जैसे बॉडी बिल्डर क्या होता है उसके मसल्स निकल आते हैं ना डोले शोले, तो ये एक किस्म के डोले शोले तो नहीं कहेंगे, लेकिन जबड़ा ऐसा हो जाता है च्युइंगम खाने वालों का, जबकि जो नहीं खाते उनका ऐसा होता है। बहरहाल मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। फेस की विड्थ, विड्थ चेहरे का देखें चौड़ा हो गया है ना, उम्र के साथ साथ चेहरा मोटा हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो ये इस तरह से आप चेहरे को मोटा भी कर, अब देखिए कितना बड़ा फर्क आ गया। अब मैं इसको रोकी करता हूँ तो ये खुद आप देखें, बिफोर देखें, देखा आपने, आफ्टर देखें कितना बड़ा फर्क आ गया, कितना मजे का टूल है ये, अगर आपको समझ में आ गया तो, जो कि आ गया होगा। अब दोबारा मैं लेके जा रहा हूँ, अब मैनुअल पे आते, ये तो सब ऑटोमेटिक था, एक हैंडल खींचा और ये काम हो गया, कुछ करा नहीं मैंने, लेकिन अब हम हाथों से अपने मैन्युअली इसको करने की कोशिश करेंगे। इसी इमेज को मैं लेके जा रहा हूँ, चलो मैं एक और कॉपी बनाता हूँ, कंट्रोल जे, एक और लेयर की कॉपी ले ली, अब क्या होने वाला है देखते हैं। तो ये तीन हो गई यहाँ पे, कंट्रोल जे करने से लेयर की कॉपी आ जाती है, ठीक है, तो मैं दोबारा से आ जाता हूँ यहाँ पे, और फिल्टर लिक्विफाई, इस तीसरी लेयर को मैं लेकर आ गया लिक्विफाई में, कंट्रोल प्लस किया, जूम इन। अब देखिए यहाँ पहला ऑप्शन है फॉरवर्ड वार्प, हैंडल आ गया, फॉरवर्ड वार्प को जैसे ही क्लिक करेंगे ये ब्रश आ गया, सर्कल दिख रहा है आपको, कर्ली ब्रैकेट से आप ब्रश का साइज बड़ा कर सकते हैं, जितना बड़ा एरिया होगा उतने बड़े एरिया को, आप देखिए ये चूंकि बहुत बड़ा साइज तो पूरी पूरी आंख को देखिए आप मूव कर सकते हैं इसकी मदद से, है ना, अगर करना हो जैसे आराम से आप आंख को बड़ा कर सकते हैं, चौड़ा कर सकते हैं, या आप मैन्युअली कर रहे जो यहाँ पे नोज को आपने थोड़ा है ना इस तरह कर दिया, ऐसे होता नहीं है लेकिन जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, स्माइल को और बड़ा कर दिया, ठीक है, सैलरी 4 गुना ज़्यादा मिल गई, या तो मिली नहीं मिल गई, मतलब आप खेल रहे हैं, आपने आपके किसी रिश्तेदार ने किसी दोस्त ने
हमेशा आपसे बर्गर सिंगर खाए, फ्राइज खाए, पैक खुद नहीं खिलाए, उसकी तस्वीर ऐसी करके फेसबुक पे आप रख लें, दूसरे दिन डबल पैसे देखे जाएगा कि भाई आज के बाद मैं तुमसे नहीं खाऊंगा भाई, तुम ये भी रखो ये भी रखो। तो ये देख रहे हैं, ये वाप टूल का कमाल है, आपके ज़ाया हुए पैसे भी दिलवा देगा आपको, ठीक है ना। आईब्रोज को बड़े करने जो भी, देखिए आईब्रोज को नज़दीक नज़दीक भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल लिक्विड की तरह, इसीलिए इसको लिक्विफाई कहते हैं। 48 मैंने इतना बड़ा कर दिया था, ये देखें आप खुद ही इसको छोटा कर देंगे आराम से, बालों को ऐसे फैला दिया या एडजस्ट कर दिया है? तो ये थोड़ा सा, और छोटे ब्रश से जितना काम करेंगे उतना ज़्यादा पावरफुल है ये, छोटे ब्रश से आपको और अच्छा रिजल्ट मिल सकता है इसमें। बाकी सब प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है ना, प्रैक्टिस जितना हो। तो ये देखिए बिफोर देख लें आप, इससे पहले हम यहाँ तक लेकर आ गए थे, प्रीव्यू का चेक हटाया तो मुझे वो नीचे वाले डियर दिखा रहा है, लेकिन जब मैं चेक लगा रहा तो ये अभी वाला दिखा रहा है जो मैंने अभी एडिटिंग की है, कितना फर्क आ गया। और क्या है, और देखें एक है हिस्ट्री ब्रश, ये रिकंस्ट्रक्ट है, ये दोनों हिस्ट्री ब्रश है, यानी अगर इसको भी यूज़ करता हूँ रिकंस्ट्रक्ट, तो ये वापस से असली हालत में लेकर आता है इमेज को, जहाँ जहाँ पेंट करते हैं, ये हम पेंट कर रहे हैं किस्म का, आप इस तरह अप्लाई करते जाए लेफ्ट माउस दबा के, और ये वापस से असली हालत में लेकर आएगा। आ रहा है बड़ा समझ में, ईजी है। देखो लेफ्ट, अभी तक मैं लेफ्ट माउस दबा के तो काम कर रहा हूँ, दबाते जा रहा हूँ, देखो पहले जैसे ही हो गया सेम। अब हम आते हैं इसके बाद, ये दोनों सेम है, इसके बाद हम आते हैं 12। 12 क्या करता है, ब्रश को छोटा बड़ा करने के लिए कर्ली ब्रैकेट नजर आ रहे हैं सबको, ये दो एंटर के बराबर में दो बटन है, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, ये वाले कर्ली पी के बराबर में, कर्ली ब्रैकेट से या तो ब्रश छोटा होगा या बड़ा होगा, दो बटन है। अब जैसे मैंने लिया 12, तो ये क्या करता है, जैसे मैंने इतने एरिया को अगर मैं क्लिक करके रखूँ तो ये देखिए क्लॉक वाइज घुमा रहा है घड़ी की तरह, और अगर मैं ऑल्टर दबा के रखूँ तो ये एंटी क्लॉक वाइज या उल्टी घड़ी की तरह घुमा रहा है, कुछ आ रहा है समझ में, उल्टी घड़ी की तरह। देखिए यहाँ पर मैंने ब्रश छोटा किया, यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ क्लॉक वाइज, ऑल्टर दबा के क्लिक किया एंटी क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज, आई बात समझ में। तो इस तरह करने के बाद फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ ताकि फिर से सही हो जाए। अंडू वाला ऑप्शन है, जहाँ जहाँ अंडू करना है आप पेंट करते जाए। ओके, इसके बाद फिर हमारे पास आता है पक्कर टूल, ठीक है। पक्कर टूल क्या करता है, PUCKER, पक्कर टूल जैसे शक्ल से जाहिर है ये पिक्सल्स को दबा देता है। कोई चाइनीज को आपने देखा हो तो उसकी आंखें कितनी छोटी छोटी होती हैं, चपटी सी छोटी सी, ठीक है, थोड़ी देर में आप उसको चाइनीज बना दोगे, या तो माइकल जैक्सन जैसा लोग आ जाएगा, वो भी ऐसे उसने आँख को मतलब बड़ी रिपेयरिंग कराई हुई थी अपने आप को, तो उसके चेहरे को आप देख सकते हैं कैसा लगता था, कुछ ऐसा लुक आ गया। मैंने बुरा मतलब अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है, लेकिन कहने का मकसद कि इस तरह से ये पिक्सल्स को दबा देता है, कंप्रेस कर देता है, ठीक है। अगेन रिकंस्ट्रक्ट, अब हम ले रहे हैं ब्लॉट टूल। ब्लॉट टूल क्या करता है, आपने बिल्ली को देखा है जब आप कुछ खाने की चीज़ को देते हैं तो उसकी आंखें कैसी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, है ना, तो ये भी कुछ ऐसे ही करता है, ये पिक्सल्स को फैला देता है, बड़ा कर देता है। जितना बड़ा ब्रश उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस, इतनी बड़ी आंखें होती नहीं किसी की, लेकिन एक आइडिया देने के लिए कि ऐसा भी किया जा सकता है। दांतों को बड़ा कर दिया, बिल्कुल चेहरा अजीब सा ही हो गया, आप खुद देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, है ना। तो जहाँ आप अप्लाई करेंगे वहाँ ब्लॉक करेगा, यानी वहाँ फुला देगा, गालों को फुलाना है। हम बर्थडे में क्या करते हैं, फूंक मारने के लिए गाल फुला देते हैं, तो ये चीज़ हो जाएगी, तो ये बिल्कुल अजीब सा चेहरा हो गया उसका, ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि इस तरह से खेला जा सकता है। फिर से मैं इस पर पेंट कर देता हूँ ताकि ये रिकंस्ट्रक्ट हो जाए, दोबारा से असली हालत में आ जाए। ओके, इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर पुश लेफ्ट। असल में पुश लेफ्ट पुश राइट दोनों है, यानी अगर मैं पुश लेफ्ट, जैसे आजकल ऐड आती है टीवी पे कि ये फलाना दवाई खा ले आपकी कमर बिल्कुल सुराई, आपकी गर्दन सुराईदार हो जाएगी या कमर आपकी बिल्कुल पतली हो जाएगी, और नहीं भी तो 15 दिन में आपके पैसे वापस, और जब 15 दिन बाद आप ढूंढने निकलोगे तो वो कंपनी को पता ही नहीं होगा कि वो गई किधर। तो ये प्रोडक्ट बेचने के तरीके होते हैं कि फोटोशॉप में तस्वीर को ऐसे करके दिखा देते हैं कि देखिए पहले ये इतना मोटा था अब इतना पतला हो गया, तो ये दवाई आपको बड़ा फ़ायदा करने वाली है। तो क्या करते हैं वो लोग, ये टूल लेने के बाद, अब जैसे मैं गर्दन को दूँ यहाँ पे, देखिए मैं अगर मैं ऊपर से नीचे जाऊँगा इस तरीके से, तो ये पिक्सल्स को राइट की तरफ पुश करेगा। आ रहे तो समझ में,
अगर मैं नीचे से ऊपर लेके जा रहा हूं तो ये लेफ्ट की तरफ पुश करेगा, देख रहे हैं आप। इस तरह किया जा सकता है कि किसी को पतला दिखाना है मोटा दिखाना है तो वो बड़ी बात नहीं है, आप इस तरह पिक्सल्स को प्रेस कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं। ये अजीब सी तस्वीर हो गई क्योंकि मैं चेहरे पे दिखा रहा हूँ, तो ये इस तरह किया जा सकता है, ठीक है। और अगेन मैं लेता हूँ यहाँ से रिकंस्ट्रक्ट, फिर से रिपेयर कर लेते हैं उसको। तो ये पुश लेफ्ट और पुश राइट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेफ्ट और राइट आप उसको पुश कर सकते हैं। और देखिए छोटा ब्रश होगा, अब जैसे अगर यही वाला टूल मैं लेके छोटे से ब्रश के साथ अगर लेके आओ तो मैं ऊपर से नीचे लेके जा रहा हूँ, देखिए क्या हो रहा है, अब आ रहे सामने, नाक तकरीबन वैसी हो गई जैसे पहले थी या बेहतर हो गई, है ना। पहले कैसे थी, पहले ऐसे थी, फिर मैंने ऐसे कर दिया, देखिए कितना बड़ा फर्क आ गया। ओके, तो कहने का मकसद ये कि इस तरह खेला जा सकता है। और आखिरी टूल्स में है फ्रीज मास्क। ये दो तो आपको पता है, फेस रिकॉग्निशन ये अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले, ऑटोमेटिकली ये जो काम करता है ना वो ये वाला बटन है। लेकिन यहाँ एक हैंड टूल भी दिया हुआ है जिससे आप इसको, वही जो मैं शॉर्टकट से किया था आप यहाँ से कर लें। जूम टूल भी दिया हुआ है, अगर कोई फेस का कोई एरिया जूम करना है तो आप बॉक्स बना के उस एरिया को जूम कर सकते हैं, आया समझ में। ऑल्टर दबा के क्लिक करेंगे तो ये माइनस में जाएगा, और वैसे ही आपको पता है कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस है, बड़ा कोई इशू नहीं है, स्पेस बार से आप वैसे ही पैनिंग कर सकते हैं। अच्छा अब मैं इस पे आता हूँ, ये है फ्रीज मास्क। फ्रीज मास्क क्या करेगा कि आप जिस एरिया पे मास्क बनाएंगे ना उस एरिया को कुछ भी नहीं करेगा बाकी एरियाज पे। अब जैसे मैं फ्रीज मास्क लेके इसके चेहरे को पेंट कर देता हूँ थोड़े बड़े ब्रश के साथ। ब्रश बड़ा छोटा करना पता चल गया ना सबको, कर्ली ब्रैकेट्स जो कि पी के बराबर में, इसके पूरे फेस को मैं पेंट कर लेता हूँ पहले तो, जिसको जैसे हम सन ब्लॉक लगाते हैं ना, हम कभी सी साइड पे जाते हैं कहीं पर भी, तो हम अपनी स्किन को काला नहीं होने देने के लिए कि हम कहीं काले ना लगे तो हम फेस मास्क यूज़ करते हैं। नाम सुना है फेस मास्क का, सब लोग हम बोलते हैं उसको फेस मास्क। उससे ये होता है कि आपके स्किन ख़राब नहीं होती, ब्लैक नहीं होती, जबकि जो नहीं लगाते उनको पता है क्या होता है, स्किन ब्लैक हो जाती है। अब मैंने मास्क का लगा दिया, मैंने मास्क गलत जगह लगा दिया, मुझे चेहरे में चेंज करना था, बालों में नहीं करना था, उल्टा हो गया। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे दूसरा इरेजर का टूल भी है मेरे पास जिससे मैं इसको इरेज कर सकता हूँ, इरेज कर दिया एक झटके में क्लिक करके। लेकिन अगर मैं दोबारा लूँ ये फ्रीज मास्क, तो फ्रीज मास्क की मदद से मुझे चेहरे के बाहर चाहिए, बाहर चाहिए था ये मास्क, बालों पर असर नहीं आएगा जबकि चेहरे पर आएगा, क्योंकि चेहरे पे कोई भी मास्क नहीं है, बालों पे, ठोड़ी पे, गले पर ये सर नहीं करेगा जो भी मैं इस पे आगे ब्रश लगाने वाला हूँ। मिटाने के लिए समझ गया ना, इरेजर है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे थाओ मास्क के नाम से, जो कि मिटा देगा इसको, इरेज कर देगा इस तरह, क्लियर है यहाँ तक। तो फ्रीज मास्क जो है वो पेंट करने के लिए, मास्क करने के लिए, तो जहाँ पेंट होगा वहाँ इफेक्ट करेगा नहीं करेगा, नहीं करेगा। अब देखिए मैं यहाँ से लेता हूँ ब्लॉब टूल जो कि फैलाता है पिक्सल को। अब आप देखिए मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ, ये सिर्फ चेहरे के अंदर ही अप्लाई कर रहा है, बाहर नहीं कर रहा है, बाहर करने की कोशिश करें नहीं हो रहा है, ये देखिए नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर की तरफ ये अप्लाई कर रहा है, देख रहे। और जब मैं ओके कर दूंगा यहाँ से ये फाइनलाइज हो गया, तीसरी स्टेज में और खौफनाक हो गया, ठीक है। तो कहने का मकसद कि इसे खेलना है आपने अलग अलग तरीके से, इतना कि आप इसमें इतने प्रोफेशनल हो जाओ कि अपनी मर्जी के मुताबिक फोटो को या तस्वीर को मैनिपुलेट कर सको। शादी ब्याह की तस्वीर में अमूमन लड्डू खिलाए जाते हैं, सास का मुंह बड़ा खुल गया तो फोटोग्राफर को क्या बोलती है, कितना खराब फोटो खींचा है, जल्दी से मेरा मुंह सही करो, छोटा करो उसको, ये वो टूल है जो उसका मुंह छोटा कर देगा। या बहुत ज़्यादा मुंह बड़ा खुल गया या छोटा खुल गया या आँखें बंद आ गई तब भी ये काम आएगा। तो कहने का मकसद कि बहुत ही पावरफुल है। और अभी आप देख रहे हैं मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ, पहले तस्वीर ऐसी थी, फिर हमने ऐसी कर दी और आखिर में हमने ऐसी कर दी, डन हो गया। तो उम्मीद है आपके पैसे वापस मिल जाएंगे, ठीक है। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी और इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, फोटोशॉप की भी लेक्चर्स अब आना शुरू हो गए। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।